सो एज़ ऑफ नाउ मेरा एक सेमेस्टर पूरा हो गया जनवरी टू मे वो बहुत ज़रूरी है जब हम इंडिया में बैठे होते हैं तो फिर कोई भी आइडिया नहीं होता काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है सो शुड यू कम टू कैनडा इन सिडनी नोवर्स कोशिया इन केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी सो दैट इज़ द नंबर वन क्वेश्चन आस्क इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी सो हाई गाइज दिस वेलकम बैक टू द चैनल होप यू today गुड एंड be आई एम a बी टॉकिंग अबाउट related फैक्ट्स रिलेटेड टू सिडनी cape ब्रिटन यूनिवर्सिटी तो guys आज हम बात करेंगे CBU की तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि there's इज़ अ सिचुएशन कि मैं इस uh, वीडियो तक कैसे पहुँचा सो द थिंग इज़ जब मैं खुद CBU आना चाह रहा था तो मैंने CBU के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ के बारे में सर्च करा इंटरनेट पे गूगल पे यूट्यूब पे एंड uh, मुझे एज सच कोई खास इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं मिली एंड uh, जितने भी लोग थे जो वीडियोज़ बना रहे थे यू नो रियली हैड्स ऑफ टू देम कि वो एटलीस्ट दे आर यू नो गिविंग सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जैसे सिडनी नोस्कोशे एक बहुत छोटी जगह है और uh, टोरटो जैसी बड़ा शहर नहीं है सेम विद द वैनकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया और बराबर तो यूजअली इन बड़ी जगहों की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर तो मेरा यही मेन पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का कि फाइनली सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें यू नो इफ एनी वन व्राइंग टू अप्लाई और वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट केप ब्रटन यूनिवर्सिटी तो उसको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिल जानी चाहिए टू एटलीस्ट गिव हिम और हर सम काइंड ऑफ आइडिया कि केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी कैसी है वट्स गोइंग ऑन एंड वट आर द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू माइट हैव टू सी तो मैं कह रहा था कि जब मैंने खुद पहली बार यूट्यूब पे सर्च करा केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी के बारे में तो मेरे को ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं मिली और uh, यहाँ तक कि जो भी लेटेस्ट वीडियोज भी केप ब्रिटेन के बारे में मैं देख पा रहा था देवर यूजअली Uh, कोई वीडियो छः महीने पुरानी थी या कोई वीडियो एक साल दो साल तीन साल पुरानी थी सो बिकॉज आई वॉज एंटर सिडनी इन 2023 तो मुझे खुद कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उस बारे में चाहिए थी जो मुझे एज सच नहीं मिली तो इट्स ओके सो दिस इज़ माई सी बी यू जर्नी आई स्पेंड फाइव मंथ्स ऑलरेडी है तो मैं कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले अपने प्रोग्राम वगैरह के बारे में सो so, Uh, I was a PGT physical education teacher so uh, after three years uh, I've uh, been teaching and then I decided that okay uh, I might you know change the country and let's see what uh, what Canada has to offer actually coffee's are the you know a a trend and a lot of Indian people are actually coming abroad for अलॉड ऑफ रीजन तो मुझे बहुत सारे लोगों ने यू you नो know, बार इन एज सुन एज स्टार्ट मेकिंग ब्लॉग्स इन सिडनी इन मस्कोशिया काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच करा और बोला कि यू नो जस्ट टेल ट्राई टू टेल इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट एवरी थिंग ट्राई टू स्प्रेड आउट इन्फॉर्मेशन सो एक्चुअली मैंने वो वीडियोज़ इसलिए पुश आउट नहीं करी थी क्योंकि मेरे को खुद इतना आइडिया नहीं था एंड ऑफकोर्स uh, uh, जब तक पूरी तरीके से आइडिया नहीं हो जाता तब तक वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं है क्योंकि यू नो यू आर नॉट स्टेटिंग द फैक्ट्स सो नाउ आई थिंक आई हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द प्लेस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो वाइज सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 में आपको कैनेडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो उसका आंसर मैं सबसे पहले बता देता हूँ आंसर इज़ येस इट्स रियली रियली गुड प्लेस

बट स्टिल ड्यू टू सर्टन हेल्थ कंडीशंस मेरे को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा एंड फाइनली इन जैन आई एंटर कैनेडा सो हेल्थ कंडीशंस आई जस्ट यू नो टेल यू गैस दट मेरा नी का uh, लेगमेंट टेयर हो गया था तो उसके बाद वो लेगमेंट टेयर कराने में हालांकि मैंने ऑपरेशन पहले ही करा लिया था बट स्टिल आई वॉज नॉट फीलिंग यू नो फिज़िकली फिट टू The maximum capacity. So, I decided to skip one uh, semester and then come in the next semester. It's not a big deal. So, you just have to push in one application, and if they approve, which usually colleges approve, and then you can just come in the next uh, semester. So, should you come to Canada in Sydney, Nova Scotia, in Cape Breton University? So, that is the number one question you might want to ask. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है मैं पहले ही बता देता हूँ कि केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी को कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली नोस क्वेश्चन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है और एडमिशन्स लेने के लिए बिकॉज अलॉट ऑफ स्टूडेंट हैलरेडी यू नो अप्लाइड एंड दे हैव गॉट द ऑफर लेटर एंड नाउ दे आर प्लानिंग और सम ऑफ दम ऑलरेडी है अब इस सिचुएशन में हुआ यह है कि सिडनी वॉज नॉट टोटली रेडी सिडनी इज़ अ प्लेस इन नोवा कोशिया डोंट यू नो रिलेटेड विद ऑस्ट्रेलिया एंड इन के ब्रिटेन आइलैंड सो द सिचुएशन इज कि सिडनी इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चरली दैट मच डिवेलप टू हैंडल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सो बिफोर द कोविड द स्टूडेंट इन टेक वॉज नॉट दैट मच बट सर्टनली आफ्टर कोविड स्टूडेंट इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड uh, जहाँ पे सिडनी सिर्फ पाँच uh, सौ या यू you नो know, 1000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती थी वहाँ पे सिडनी को ऑलमोस्ट यू नो 5 टू 10,000 थाउजेंड सर स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गई हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा बट uh, मैं जितनी भी यू uh, नो you know, मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ लाइक प्राइसिंग अकोमोडेशन एंड हाउ इज़ द कॉलेज एक्सपीरियंस एवरी थिंग इन सबकी सब पार्ट में मैं वीडियोज़ डालूँगा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जब हम इंडिया में बैठे होते हैं तो फिर कोई भी आइडिया नहीं होता एंड uh, मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस करी है कि यू नो देर आर नॉट मैनी पीपल जिनसे आप जाके इंस्टेंटली पूछ सकते हो सो आई वुड ग्लैडली लाइक टू बी दैट पर्सन जो आप लोगों को ये सब बता रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या है सो एज़ ऑफ नाउ मेरा एक सेमेस्टर पूरा हो गया जनवरी टू मे And uh, May to September, a summer break. Hota hai. And during the summer break, you are allowed to go to any province in Canada. You can go and be there or work there. And uh, some.

कोमोडेशन इन सिडनी नोस्कोशिया सो गज इट्स डिफिकल्ट एंड इफ यू डोंट नो एनी वन दैन इट्स इवन मोर डिफिकल्ट ऑल दो देर आर अकोमोडेशंस अवेलेबल बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि वो अकोमोडेशन आपके लिए सही हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे वो हो जो यू नो कॉलेज में लाइब्रेरी रोज़ जाना चाहता है या फिर कॉलेज में जिम फैसिलिटीज़ रोज यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप सिंपली आपकी क्लासेस रोज़ हैं लाइक यू हैव प्लान योर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे तो उस सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे भी घर ले रहे हो वहाँ पे आपका बस स्टॉप एकदम पास में होना चाहिए क्योंकि आते ही आप कोई भी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते प्लस आप यूजुअली यू नो कैब्स का भी फेयर नहीं अफोर्ड कर पाओगे क्योंकि इट्स नॉट रियलिस्टिक क्योंकि जब तक जॉब नहीं होती तब तक थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ यही होते हैं कि आप पब्लिक फैसिलिटी यूज़ कर लो सो पब्लिक फैसिलिटी इज़ काइंड ऑफ़ चीप वो इट्स लाइक अ वन डॉलर टिकट फॉर एनी प्लेस यू गो सो यूजुअली यहाँ पे बस पासज मिलते हैं जब आप कॉलेज आओगे तो आपको वो बस पास मिल जाएगा सेकेंड अगर बस आपके उससे दूर है तो फिर आप ये मान के चलो कि एवरी डे मे बी इट्स स्नोइंग मे बी इट्स रेनिंग मे बी यू नो इट्स विंडी या जैसी भी वेदर कंडीशन होगी यू हैव टू गो टू द बस स्टॉप एंड वेट फॉर द बस स्टॉप इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन इट्स पॉसिबल मैं खुद ऐसे बस स्टॉप पर काफ़ी बार एक घंटा या फिर यू नो वन एंड हाफ आवर वेट करना पड़ा है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव है एंड इट्स नॉट प्लीजिंग सो द थिंग इज़ अगर आपका घर ऐसी सिचुएशन जगह पे है जहाँ पे बस स्टॉप पास में है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले यही होनी चाहिए तो घर का रेंट और घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएबल है और वेरी करती है ऐसा भी हो सकता है कि आपको यू you नो know, थोड़े अच्छे पैसों में एक अच्छा घर मिल जाए जो अच्छा न्यूली मेड हो मेनटेन्ड हो और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे में बहुत ही बेकार हालत में घर मिले तो यूजुअली सिडनी में क्या हो रहा है कि सिडनी में ऐसा बहुत कम है जहाँ पे आपको इंडिविजुअली एक पूरा घर मिल जाएगा तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर स्टूडेंट शेयरिंग में रह रहे हैं और इनफैक्ट ये भी सिचुएशन है अभी रिसेंटली बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था दे वर ऑलमोस्ट लाइक टेन टू फिफ्टीन स्टूडेंट्स लिविंग इन वन हाउस एंड अ फायर ब्रोक आउट एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स यू नो लॉस लॉस्ट लॉस्ट हिज लाइफ सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ दिस इज टू बी ब्लेम्ड ऑन पुअर लिविंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू द नो गवर्नमेंट देर फॉर बहुत सारी नई नई यू नो अकोमोडेशन बनाने की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की बट नथिंग हैज़ बीन फुली कम्प्लीटेड येट एवरी थिंग इज़ इन प्रोसेस सो ये मान के चलो कि आने आज से एक या दो साल तीन साल बाद सिचुएशन अच्छी होगी बट करेंटली जो भी यहाँ पर हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो नो नॉट एवरी वन इज़ एबल टू फाइंड देयर ड्रीम प्लेस और द राइट प्लेस बिकॉज जो भी बस स्टॉप के आसपास जगहें होती हैं उनका यूजुअली रेंट हाई हो सकता हो जाता है प्लस वो जल्दी भर भी जाती हैं तो यू अब ये होता है कि अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है आपको कोई यू uh, नो you know, पहले से आपने अकोमोडेशन नहीं देखी तो फिर आपको यहाँ पर आके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है कि आपका घर कॉलेज से एक घंटा दूर हो ये भी हो सकता है आपका घर कॉलेज से दो घंटे दूर हो सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट ऑल दैट तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपका uh, यू नो वीज़ा आ जाता है पीपीआर रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसके बाद आप एकदम से अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दो अब अकोमोडेशन ढूंढना के लिए एक के के आई जी आई जी आई वेबसाइट है के जी जी वेबसाइट उसमें आप चेक कर सकते हो या फिर बहुत सारे आ, घरों के यू नो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं लाइक रेंटल एंड अकोमोडेशन बट उन पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई भी क्वारी डालोगे कि आई नीड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ इन लेट्स ए सेप्टेम्बर ऑन दिस डे आई एम गन बी कमिंग सो इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग दैट यू विल गेट द एकोमोडेशन हो सकता है कि आप आज डालो और आपको एक महीने बाद जाके कोई रिस्पॉन्स आए या फिर एक महीने बाद ही कोई जगह खाली हो सो so काफ़ी धीरे धीरे जगह खाली होती है और काफ़ी जल्दी जल्दी वो भर जाती है सो so अब ऐसी सिचुएशन में होप्स हारने की नीड नहीं है अगर आपका एडमिशन हो ही गया और आपका एकोमोडेशन प्रॉब्लम हो ही रही है तो फिर आप कॉलेज के हॉस्टल में भी अप्लाई कर सकते हो वो रेडिली अवेलेबल रहते हैं एंड दे हैव एम्पल स्पेस बट द ओनली थिंग इज दैट आपको चार महीने की जो रेंट होता है वो एक साथ देना होता है और एक साथ देने का भी ये मतलब है कि आपके वो स्टूडेंट अकाउंट से पैसे काट लेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट अकाउंट में ऑलरेडी आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के पैसे दे रखे होंगे तो तो ये कहानी थोड़ी अगली वीडियो के लिए मैं छोड़ रहा हूँ तो अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की जो है स्कैम्स तो स्कैम्स का यहाँ पे सीन है कनाडा में कैम स्कैम्स का सीन है एंड यूजुअली आई एम रियली यू नो वेरी डिस टू से बट अ लॉट ऑफ इंडियंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दो स्कैमिंग यू नो ट्रिक्स इवन अ लॉट ऑफ यू नो कैनेडियन पीपल आल्सो माइट बी डूइंग दिस काइंड ऑफ स्कैम्स बट प्रोपोर्शन इज लेस मेजर रैंक वन स्कैम्स हैं यहाँ पे बुकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन केय रिगार्डिंग तो होता क्या है कि लेट्स uh, ए आपको कोई टैक्सी लेनी है एंड यू आर न्यू हेयर सो अगेन टूरिस्ट टाइप ऑफ स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं जो भी आपका कैब uh, ड्राइवर होगा अगर वो यूजली यू नो इंडियन होगा तो और उसको पता होगा कि आप नए आ रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको बीस डॉलर की जगह चालीस डॉलर चार्ज कर लें सो so, uh, इन सब चीज़ों का आपको खुद से ही ध्यान रखना है और ये भी हो सकता है कि काफ़ी बार वो बोलते हैं कि जैसे ये एक बहुत अच्छे घरों की फ़ोटो वोटो दिखा के वो बोलते हैं कि आप जब भी आओगे इस घर में आके आप शिफ्ट हो सकते हो बस आपको एडवांस बुकिंग देनी है तो उन सिचुएशंस में भी काफ़ी बार स्कैम हो जाता है एंड इट्स लाइक कि आप जो भी uh, पैसे दे रहे हो वो आपको वापस भी नहीं मिलेंगे और जब आप घर जाओगे घर जाके देखोगे तो वो घर एकदम बुरी हालत में होगा माई इट माइट बी स्मेलिंग जो आपको फोटो में नहीं पता चल सकता इट माइट बी यू नो अंडर सीवेज और या तो उसका हीटर नहीं चल रहा होगा या लॉन्ड्री में प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ समथिंग कैन बी देर तो इसलिए माई एडवाइस टू यू इज कि आप पहले वहाँ पे जाके ही या फिर किसी भी कनेक्शन और सोर्स की जगह सोर्स के हेल्प से वहाँ पे जाके चेक करो और तभी वो घर वहाँ पे जाके फाइनल करना ओ oh, सो so एक बहुत और इम्पोर्टेंट uh, चीज़ है जॉब्स सो जॉब्स का मैं आपको एकदम अपना ऑनेस्ट uh, वो दे रहा हूँ so, सो काफ़ी बार ऐसे होता है कि यूजुअली जाते ही यू नो यू विल गेट द जॉब विद इन वन मंथ एंड सम यू विल नॉट गेट इट फॉर टू मंथ्स बिकॉज मैं जनवरी में गया था तो वहाँ पर बहुत हार्श uh, कंडीशंस थी एंड नॉट ऑफ जॉब आर नॉट अवेलेबल तो मेरे को ऑलमोस्ट थ्री फोर मंथ्स वहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिली यहाँ तक कि जो मेरे फ्रेंड्स थे Uh, जिनको जॉब मिली भी है सो दे हेड टू शिफ्ट टू हेलीपैक्स एंड हेलीपैक्स इज़ लाइक फाइव सिक्स आवर्स अवे फ्रॉम इट बट हेलीफैक्स एक बहुत बड़ी सिटी है वहाँ पे हंड्रेड परसेंट चांसेज हैं आपको जॉब मिलने के बट आपका क्लासेस का स्केड्यूल उस हिसाब से प्लान होना चाहिए ये आप आप वहाँ पे भी रह सकते हो और फिर आप यहाँ पर आके काम कर सकते हो सो हेलीफैक्स टू सिडनी इज़ ऑल्सो पॉसिबल बट उसकी एक अलग पूरी वीडियो बनेगी क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में जाके बताना पड़ेगा कि कैसे क्लासेस आप स्कैड्यूल कर सकते हो अपनी जिसके बेस पे आप हेलीफैक्स में रहो और आप सिडनी में अपना कॉलेज कर लो और हेलीफैक्स में अपनी जॉब कर लो सो so, पॉसिबल है काफ़ी सारे आ, मेरे दोस्त वैसे कर रहे हैं बट उसके अपने प्रोजन कौन से तो जॉब्स के बारे में बात करते हैं सिडनी में तो ये बोला जाता है कि समर्स में देर आर ऑफ जॉब्स या यू आर कमिंग इन मे और इवन इफ यू आर कमिंग इन सेप्टेम्बर दैन चांसेज आर मोर दैन इफ यू आर कमिंग इन जैन सो जॉब्स की अगर बात करें तो यूजल जॉब्स जो जौँ वहाँ पर हैं गैस स्टेशंस वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं हैं बट स्टिल जो भी गैस स्टेशंस हैं एंड वॉलमार्ट्स हैं शॉपिंग मॉल है और बेसिकली इट्स ऑल ऑन फिंगर टिप्स लाइक देर आर ट्वेंटी टू थर्टी प्लेसेस जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है प्लस आप कॉलेज में जहाँ पर आ रहे हो तो कॉलेज के अंदर भी ऑन कैंपस जॉब्स अवेलेबल होती हैं तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो सो so, वेन यू आर कमिंग हेयर सो एटलीस्ट वन और टू मंथ्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि हो सकता है कि एक या दो महीने के अंदर आपको जॉब ना मिले बट आपके पास उस हिसाब से अपने पैसे वगैरह वो होने चाहिए रेंट वगैरह के ताकि आप रोज जाके अपनी जॉब वगैरह ढूंढ सको और फॉर श्योर विद इन कपल ऑफ मंथ्स चांसेस आर हाईली लाइकली दैट यू विल एंड अप विद अ गुड जॉब एंड बाई गुड जॉब आई जस्ट मीन दैट इनफ आर्स फॉर द वीक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको जितने ज़्यादा घंटे काम करने के लिए मिलता है उतने ज़्यादा आपके पैसे बनते हैं तो गाइज़ ये बस मेरा एक इनिशियटिव है आ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का बाकी मुझे पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी और आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर दैट एंड जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं अपने एक फर्स्ट सेमेस्टर में रिगार्डिंग टू सिडनी नोर्स कोशियसू वो सारी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पुश आउट कर दूंगा विद इन द नेक्स्ट मंथ और सो ताकि जो यू you नो know, अब सितंबर में या जैन में आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियोज़ रहेंगी और गैस सो एंड करते हैं आज की वीडियो को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन